नमस्ते। जन सरोकार मंच, जन सरोकार मंच टोंक में आज पुनः उपस्थित होने का मौका मिला है। अतः कुछ कविताओं का पाठ, कुछ पहले की कुछ अभी की मैं करूंगा। एक शीर्षक है पत्थर। घास और फूल से खेलता बच्चा, कल कल छल छल पानी को छेड़ता बच्चा, अस्तन का दूध पीता बच्चा, धीरे धीरे इस पत्थर की दुनिया में पत्थर होता जा रहा है। घास और फूल से खेलता बच्चा, कल कल छल छल पानी को छेड़ता बच्चा, अस्तन का दूध पीता बच्चा, धीरे धीरे इस पत्थर की दुनिया में पत्थर होता जा रहा है। दुख पत्थर का, सुख पत्थर का, उड़गरता जा रहा है सबो रोज पत्थर का इतिहास। बालू के ढूंढ पर खड़ी है मेरे देश की सबसे छोटी सी बच्ची, सोच रही है किस आलिशान बिल्डिंग में नानी मिलेगी। उसे क्या पता, उसे क्या पता इस शहर होती दुनिया में कि नानियां जिंदा हैं अभी भी, घरों को पत्थर से गढ़ते हुए, घरों को पत्थर से गढ़ते हुए। दादी की दौरी, तुम थी तो एक छोटी सी खुशी थी, तुम गई दुख रहा पृथ्वी पर। तुम थी तो एक छोटी सी खुशी थी, तुम गई दुख रहा पृथ्वी पर। कटहल का पेड़, आम का बगीचा, गुलाब का बगान, घर घर दाना बांटने वाली दौरी में दर्द रहा। दौरी थी तो लाल कनेर सा फूल था, सोहर था, मंगल गीत थे। दौरी का रंग लाल था, हरा था, कत्थई था, और रंग था तो जीवन था। सच ही तो था, तुम दुख को सुख करती, सुख को ईश्वर की कृपा, प्यार करती रंभाती फूटे की गाय को, मेरा माथा चूमती, हाथ रखती छाती पर तो जी भर आता। तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन ये कैसा संयोग है, तुम्हारे नहीं होने के बाद भी है तुम्हारी दौरी, बसंत और फूलों के तमाम रंगों से रंगी, और अन्न के दानों से भरी, और अन्न के दानों से भरी। कविता कपूर की तरह, मैं उड़ जाऊंगा पक्षी की तरह, डूब जाऊंगा बत्तख सा, सोने चांदी का चादर बना आसमान को ढक दूंगा, अवध मगध का सरहद पार कर कपूर की तरह छू मंतर हो जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा गंदी खराब गलत सरहद कविताओं की तरह, आलोचकों सावधान विश्राम। 20 दंत, कविता का शीर्षक 20 दंत। एक सदी से दूसरी सदी की यात्रा चलती रहेगी, लोग जन्म लेंगे मरेंगे। एक सदी से दूसरी सदी की यात्रा चलती रहेगी, लोग जन्म लेंगे मरेंगे। अपनी सिंदूरी लालिमा के साथ झकाझक सूरज उगेगा पूरब की ललाट पर, और पश्चिम के समुद्र में डूब जाएगा। आंसू की धार फूटेगी और घृणा के घर में भी, और घृणा के घर में दिराखे पर खड़ा हो जाएगा प्रेम। मती मारी जाएगी प्रधानमंत्री की, न्यायाधीशों की कुर्सियों के पाए आपस में लड़ेंगे, और लोग जब अकेला कर दिए जाएंगे, इतिहास के हाशिए पर जन्म लेगी जीवित रहने की ललक। प्रेम अधूरा नहीं होता, प्रेम अधूरा नहीं होता, न ही प्रीति। एक सदी के आखिरी छोर पर खड़े हैं हम सब, आओ खत्म कर ले दन सपने अभिशप्त जीवन के, आओ तोड़ डाले सारे विस्तन, आओ तोड़ डाले सारे विस्तन।
आती है निंजा, छोटी कविता, ये 2001 में छपी थी कथ्य रूप में। लोग परेशान हैं, संसार का सर्वोत्तम संकट है, खलाएं के मुंह में पान है, देश के देह पर दाग है। लोग परेशान हैं, संसार का सर्वोत्तम संकट है, खलाएं के मुंह में पान है, देश के देह पर दाग है। आती है नींद जब खुशी की सही पहचान। गुल्लक बच्चों की नींद के बीच सूरज सा है, थोड़ी आकृति प्रकृति से मिलती है। अब यह बच्चों का खजाना नहीं रहा, खजाना की जगह पर IMF बैठ गया है, देश और राज बैठ गया है, मंत्री और नेता बैठ गए हैं। अब गया वो दिन जब पापा देते थे 10 पैसे 20 पैसे और बड़ी खुशी से डाल देते थे। अब न पापा के पास उतने पैसे रहे, न मम्मी के पास चोरी का, जेब खर्च के लिए मुस्ताज हैं बच्चे। मैं नहीं जानता था कि गुलाब की स्वतंत्रता छिन जाएगी, इसकी व्यवस्था बैठ जाएगी। यह तो हर घर में था, जिसे बच्चे खिलौने भी समझते थे। कभी बहनों की चूड़ियां खरीदने में काम आता था, या भाभी के नैहर जाने में आरा से पीरो। गुल्लक का जगह उदास है, बच्चे थोड़ा हताश हैं, लेकिन गुल्लक आज भी बिकता है बाजार में, मेला में। खेसारी का फूल बारात से लौटते हुए बिजरोई और रामासाण के इलाके में देखा, गुथाया हुआ खेसारी का फूल। दरअसल पैरों से रगड़ने के बाद भी नहीं टूटा एक भी शाखा, देखने में तो बहुत छोटी, नीले रंग का, जैसे आसमान या सागर भी शर्मा जाए। मामा के घर से लौटते हुए पहली बार देखा कि घसघड़ी इन गुलाब के बदले चरवाहे को खेसारी का फूल दे ले रही है। यकीन नहीं होता, किसने बनाया था प्रेमिका के लिए गुलाब, और कैसे घुस गया जीवन में खेसारी का फूल। बहुत बाद में पता चला कि मामी बधार में दी थी मामा को खेसारी का फूल, छोटी खुशियों में शामिल या छोटा सा फूल, छोटा जीवन का आधार, जैसे मिला टिकाऊ प्यार। अरवल से अलवर तक, अरवल से अलवर तक मेहंदिया बस स्टॉप से बल्लाद होते हुए अरवल पहुंचा। ये तो गांव की एक गांव तक यात्रा थी, जिस तरह एक बच्चे की मात्रा थी। इस मात्रा और यात्रा में और अरवल और अलवर में एक लंबे वाक्य की छोटी इकाई कितना फेर बदल कर सकती है दुनिया की, तब जाना। जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा, अफगानिस्तान में, इराक में कई प्रयोग हुए, भले ही उद्देश्य कुछ और था, लेकिन कितना आश्चर्य लगता है जब इस बड़ी सी पृथ्वी को चींटी भी आसानी पूर्वक सुरंग बनाकर एक बड़ी कविता की ताकत को छोटी सी कविता ध्वस्त करती है। तब कितना हलचल होता है जीवन में। मैं उन छोटे छोटे पदार्थों, जीवों, कणों, कविताओं और अलवर से अरवल तक की गांव की यात्रा और मात्रा को प्रणाम करता हूँ। मैं उन छोटे छोटे पदार्थों, जीवों, कणों, कविताओं और अलवर से अरवल तक की गांव की यात्रा और मात्रा को प्रणाम करता हूँ। प्यार के लिए, प्यार के लिए, अरे कभी किसी सागर से प्यार किया है? सागर ऐसा वैसा नहीं, बड़ा अहराता सागर, निकट जिसके चमकता हो चांद। अरे कभी किसी दिन से प्यार किया है? ऐसा वैसा नहीं, उज्जवल सा दिन भी जिसके चमकता हो सूरज। उदास रात शीर्षक है।
दादी की लोरी सरसों की फूल की तरह होती थी, दादी की लोरी सरसों की फूल की तरह होती थी। आज की रात, हाँ आज की रात कौन सुनाएगा लोरी कि सो सकूं। यह रात नगर की रात है, होटल की रात है, दादी की गोद नहीं। बरसात का मौसम है, पाँव में पंख नहीं लगे हैं, इसलिए जूते में लगे मिट्टी की सुगंध से आधी रात खुश रहा और आधी रात उदास आंख खोल सोता रहा। याद आती रही गांव की, पूरब में केवाल मिट्टी, पश्चिम में बलुआही, उत्तर में ललकी और दक्षिण में सब के सब मिट्टियां, और हर मिट्टी के लूंदों से बनी मेरी दादी। सावनी रात, सुबह की पहली किरण पपनी पर पड़ती गई और मैं सुंदर होता गया। शाम की अंतिम किरण अंतस पर गिरती गई और मैं हरा होता गया, और मैं हरा होता रहा। रात की रोशनी पूरे बदन पर पड़ती गई और मैं सांवला होता गया। सुबह की पहली किरण अपनी पर पड़ती गई और मैं सुंदर होता गया। शाम की अंतिम किरण अंतस पर गिरती गई और मैं हरा होता रहा। रात की रोशनी में पूरे बदन पर लिपटती गई और मैं सांवला होता गया। सितुहा, न जाने कितने हाथों से गुजरे, उन्हें भी कैद किया लोगों ने, उसकी स्वतंत्रता छीनी, हक छीना, परिवार से बिछुड़े। कितना स्वच्छंद था सागर किनारे, पुनिया छील रही थी खीरा, इससे पहले पिता ने पटका फाड़ा, पत्थरों पर इतना रगड़ा इतना रगड़ा, पास वालों ने किया झगड़ा अपने अपने लिए। वो इतना आबदार था, इतना तेजस्वी, इस्पात था, मोहनी नाम रखा था उसका, कई घर में कई नाम। आम के मौसम में उसकी खोज होती तेजी से और उतने ही तेजी से वे खत्म होते रहे। मात्र औजार नहीं था सितुहा, एक विचार था, जीवन था, आनंद था। शैतानों के घरों में भी वह सुंदरता थी, अब सतुहा मिलता है पर सस्ता नहीं। अब बाजार का मटर माला है, दीवारी पर टांगने वाला शिवाला है, बनाने वाले का निकलता दिवाला है। खुशी है, समुद्र के पेट में पल रहा है अभी भी, सितुहा समुद्र सा और समुद्र सितुहा सा। ये साक्षात्कार 2000 में कविता छपी थी। कविता है रात ही रात, पसर रही है रात आंगन में, वहां से एक रेणु को लेकर चलूं, कोसों दूर पैदल, जहां की पता न हो न कोई ठौर ठिकाना, छुपू धीरे धीरे चांद की तरह, काले काले बादल में, जहां पानी में घास हो और घास पर कुलाचे मारते दो खरगोश, जैसे आकाश में दो कबूतर चक्रवात की तरह। लोग कहते हैं, शीर्षक लोग कहते हैं, मचान पर बैठे मामा पागल हैं, पागल हैं गांव के लिए जो कभी स्वतंत्रता सेनानी थे। उस समय ज्यादा पागल होते हैं जब एक ही गोतियां में होती है लड़ाई और गांव के लोग रहते हैं मुक्त। आज गांव अशांत है, लोग परेशान हैं, फिर भी खिल रहा है कचनार का फूल और फूल रहा है गुलर, जिसका सिर्फ फल ही होता है और मामा की बात नहीं। गांव के लोग शहर के लिए बेहोश हो रहे हैं, पगला रहे हैं, जैसे अपने नशे में कविता लिखता कोई कवि। थकान, जैसे तू संत वैसे तू अंत, जैसे तू संत वैसे तू अंत, जैसे तू निकट वैसे तू विकट, जैसे तू भाई वैसे तू कसाई, जैसे तू साथ वैसे तू नाथ, जैसे तू निशान वैसे तू थकान। आने वाली रात, रास्ते में पत्थर की आवाज आ रही है, सोच में हूँ रेलगाड़ी गुजर रही है, सोच में हूँ रेलगाड़ी गुजर रही है। हर 20 मिनट पर मेरे मकान के बगल से कुछ खोज में हूँ, पड़ोसी का बच्चा रो रहा है, शुरुआती रात में कहीं कहीं कहाँ रही है कोई औरत कि आने वाली रात में कली से फूल खिलेगा सुबह सुबह।
बाबूजी, शीर्षक है, किसी भी ज्ञापन के लिए नहीं आया था यहाँ। धकेल दिया गया था गले में हड्डी लटकाकर, विष्णुपुरा से आ रहा, महासंयोग नहीं था, भगा दिया गया था मैं। बाबूजी, आपकी याद बहुत आती है, जब एक कंधे पर मैं बैठता था, दूसरे कंधे पर कुदाल, पके हुए केस को सहलाते हुए चला जाता था, खेतों की मेड़ पर गेहूं की बालियां लेती थी हिलोरे, थके हारे चेहरे पर तनिक भी नहीं था तनाव, न कि चाची चटपट खाना निकाल जमीन को पोतते हुए आंचल से सहला देती थी गाल। आज आप 5 लड़कों, 5 पोतों और 2 पोतियों के बीच अकेले हैं। पता नहीं अब आप क्यों नहीं जाते खेत, क्यों नहीं जाते बाबा की फुलवारी, सिर्फ ढहे हुए मकान में रहना चाहते हैं। आप अब नहीं खिलाते बिस्कुट जुलूम बाबा की दुकान वाली, जो 10 बार कोई गोदाम में या 20 बार बुयाम में हाथ डालकर एक दाना दल मोट निकालते जैसे जादू। सुना है उस जादूगर की जमीन बिक गई, उनके लड़के धनबाद में बस गए, वह आटा चक्की चलाते थे, वहां आटा चक्की चलाते हैं। बाबूजी, आपकी याद बहुत आती है, मसरवा मलमास मेला की मिठाई और परासी बाजार का शोभा सावगा कपड़ा, आपके जुरन भारती दोस्त सब याद आते हैं, सिर्फ याद नहीं आती है अपने बचपन की मुस्कान। एक ऐसी दुनिया की तलाश में घर के कोने में एक पांव पर खड़ा हूं, तुम्हारी प्रार्थना के लिए, ध्यान के लिए, चैन की नींद के लिए, तुम रख सको तनाव मुक्त, पृथ्वी की पीड़ा लिए सुनसान गली की वेदना में चल सके हम साथ साथ। एक ऐसी दुनिया की तलाश में जहाँ भरपूर हो जीवन का संघर्ष और भरपूर हो प्यार। कथा देश 2000 में छपी थी, ये पहले संग्रह से मैंने ये कविता सुनाई, जो वाणी प्रकाशन से पुस्तक आई थी, पहला कविता संग्रह कैसी दुनिया की तलाश में। अभी जो वाणी प्रकाशन से किताब आई है, एक अनागरिक का दुख, पेड़ के गिर जाने पर शीर्षक है, आसमान को पोतना चाहता हूं गुलाबी रंग से, वृक्षों को नहीं। धरती तो पावन है, इसलिए जल को पान कर रहा हूं, मिट्टी को सिंदूर बनाकर लपेट देना चाहता हूं, मिट्टी को सिंदूर बनाकर लपेट देना चाहता हूं, माथे पर दूधिया रंग वाली जूती को, उसको ताप चाहिए मेरे हाथ से थप थप चांद पर हथेली की धमक से, बालू के कण जा बैठते हैं आंख की कोर में, रुई के फाहे में मुंह का भाप लगा निकाल लेता हूँ हौले से, क्षितिज पर एक चुंबन की जरूरत है उसे, दादी बोलती है छोड़ दो उसे, दो शब्द लेते कर जीवन में बहुत काम है उसे, जीवन में बहुत काम है उसे, रुकता हूँ और पास चला जाता हूँ, सागर का रंग खींच कर कंठ पर चाट देना चाहता हूँ, सागर का रंग खींच कर कंठ पर चाट देना चाहता हूँ, और नारियल पानी उड़ेल देना चाहता हूँ, खरगोश की पीठ की तरह सहला कर उसके मुख पर फूंक मारता हूँ, हंसती हुई गले मिलती है तपाक से, जब से गई हो तब से घास पर टहलते हुए कांटों में उलझ जाता हूँ, ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या करूं, असम से आकर राज्यसभा में न जाए और मेरी पूजा से लग जाए, आखिर बगान का केला और अमरूद, गुलाब और चमेली का क्या करूं, तुम आओ एक दिन, एक रात, एक दोपहर, एक शाम, जब दुनिया में वायरस खत्म हो जाए, वो भूरी वाली, वो भूरी आंखों वाली, पलकों पर शीत का अंश शीतांश लिख दी है प्रकृति ने, यहाँ रेत पर पांव की चीज नहीं है जो धो ले जाए समुंदर किसी पल। किताबों में है मछलियां, किताबों में है मछलियां, सन्नाटे की सभा में रुद्र वीणा की आवाज आ रही है जैसे रजत में, किताबों में गा रही है
कोई राग आरा जैसे शहर में सिल्वर फिश की संख्या बढ़ गई है। यहाँ हो सकता है वृद्धभांड कोई पुरातात्विक अवशेष मसाड़ गांव की तरह कोई जलाकर कोई जलकर बुझा हुआ दिया कोई पुरातात्विक अवशेष मसाड़ गांव की तरह कोई जलकर बुझा हुआ दिया दियारे की लड़की ने देखी है सिल्वर फिश वहां से पैदा हो फैल गई है ग्लोबल विलेज में। अब एक पुस्तक ताक में है पाठक के लिए और एक पाठक ने ओढ़ ली है चादर। बाहर घिर आए हैं बादल पानी टपटप चू रहा है हृदय पर किताब पर असंख्य कीड़ों पर रोज रात को आएगी मछली और खा जाएगी सुंदर अक्षर शब्द और वाक्य। रोज रात को आएगी मछली और खा जाएगी सुंदर अक्षर शब्द और वाक्य। शीशा की पारदर्शी दीवार पर नजर सबकी होगी मछली पर नहीं होगी किताब पर नहीं होगी। एक दिन वे दुनिया को चट कर जाएंगी और हमें भी। हम और वे दुनिया के खत्म होने वाले जीव हैं। किताबें खत्म नहीं होंगी। एक किताब मिली है आज समय का गुलाब है उसमें खुशबू के साथ। ठीक उसकी बगल में सिल्वर फिश है चांदी की तरह चमकती हुई और अपना इतिहास लिखती हुई। कोयल की कम आबादी वाले देश में हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटका संगीत के घराने में राग को लेकर अपनी तरह की बहस है। लेकिन यह भी जरूरी बहस है कि बची हुई नाखून के नीचे मिट्टी उस मिट्टी की से अजीब सी गंध आ रही है किसानी गंध। मैल नहीं कहते हैं गृहस्थ हमारे बाबा ने हमारे नाखून नहीं मिल रहे हमारे बाबा से हमारे नाखून नहीं मिल रहे तो क्या वंशज नहीं है। नाखून की मिट्टियां भी उस गंध या रंग की तरह नहीं है। उस देश में बाबा भी थे इसी देश में बाबा भी थे और हम भी हैं। चिड़ियों का रंग वही है उनकी आवाज भी वही है। हमारी आवाज में परिवर्तन हो रहा है। घरों में बच्चों को कम रोने दिया जा रहा है रोना भी एक सुख है बच्चों। एक कुत्ता ठीक उसी तरह भौंक रहा है। जिस तरह तोता भी रट्टा मार रहा है कोयल भी कम आबादी होने के बाद तू बोल रही है पपीहे की पीहू ज्यों की त्यों है। हमने हंसना बोलना छोड़ दिया है बूढ़े लोगों से रोज की तरह बूढ़ी होती इस दुनिया में खुशी कम हो गई है। अमरूद खा लिया है मैंने अमरूद के रंग पर चिंतन कर रहा हूँ उसकी लालिमा की तरह चेहरे पर आ रही सूर्य की रोशनी याद आ रही जयशंकर प्रसाद की पंक्ति अरुण यह मधुमेह देश हमारा। क्या हम लाल हो जाएंगे एक दिन शाम होते ही समुद्र बुलाने लगता है गोता लगाने के लिए। फिर भी गर्मी जा नहीं रही है जहां तहां जंगल में आग लगी है। धरती पर एक पांव रखते हुए सोच रहा हूँ कहीं अंगोरा न हो जिसकी ठंडक तभी आएगी जब हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटका संगीत सुने कोई कोयल अपनी राग के साथ मेरे बगीचे में। यह अंतिम कविता दूर मैदान का एक घर। यह घर और घरों से अलग नहीं है। इस घर में खिड़कियां ज्यादा हैं। खिड़कियों पर गिलहरियों का झुंड है और ठीक नीचे चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। लग रहा है एक नई दुनिया बन रही है। दुनिया में सिर्फ घर गिलहरी और चिड़ियां हैं बाकी मैदान और ईंट से कुछ टुकड़े पड़े हैं और लिखने वाला। वहां से दूर देश की बातें सोच रहा हूँ अमेरिका इंग्लैंड सूरीनाम ऑस्ट्रेलिया के साथ ही घृणा भड़कीली बातें पूजा पाठ धर्म नमाज जल हवा अन्न पेड़ों के घोंसले कुछ नंगे बच्चे और अनवर हुसैन किस घर के बारे में। हम छोटे से अकेले पड़े दूरदराज स्टेशन के बारे में भी सोच रहे हैं जहाँ दो तीन कर्मचारियों से चल रहा है काम। उन पटरियों के बारे में सोचिए साहब जिससे कई जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। मैं तो उस अकेले घर के बारे में सोच रहा हूँ
कोई भी लगा सकता है आग, फेंक सकता है भाला, दाग सकता है गोली, फैला सकता है दंगा, और अंततः वे ही मारे जाएंगे जिनका घर अकेला होगा। यह सब चुनाव का बिगुल नहीं, फूल है। यह फूल एक दिन माला बन गले में आ जाएगा नेताओं के, जहां से राजनीति शुरू होगी और उस घर में तैयार होगी रणनीति ताश के पत्तों के बीच और ताश के पत्तों के बीच और ताश के पत्तों के बीच। शुक्रिया, धन्यवाद देवेंद्र जोशी को, जिन्होंने हमें कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया। धन्यवाद।